मसाले को जब तक पकाएं जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। मसाले को लगातार पकाएं जब तक कि तेल मसाले से अलग ना होने लगे। अब हम इसमें मट्ठा का घोल डाल देंगे, बेसन और मट्ठा, बेसन और मट्ठे का घोल डाल देंगे इसमें। और आप इसे अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। अब आप इसमें नमक ऐड करें। और अब इसे धीमी आंच पर उबाल आने तक पकाते रहें। इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पका लेंगे और फिर हम अपनी पकौड़ी ऐड करेंगे।
अब आप इसे पकने के बाद में हल्के हाथों से पकौड़ियों को दबाकर इसी कढ़ी में डाल दें। कुछ देर पकाएं और इसके बाद आपकी गर्मा गर्म कढ़ी तैयार है। क्योंकि आपको सिर्फ एक बात पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और क्या कुछ अंकल आप क्या